Hey guys, this is Rabia Farain Shazia from Fusion Magazine और आज हम रिव्यू कर रहे हैं प्यार के सदके की लेटेस्ट एपिसोड. आई थिंक 16वीं एपिसोड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट फरा? Yeah. और अगर आप हमारे YouTube चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब. आई कैन बेट आपको बहुत मजे मजे का कॉन्टेंट मिलेगा. एंड लेट्स स्टार्ट. अच्छा, आज रिव्यू से पहले ना मैंने सोचा मैं आप लोगों से एक दो मजे के सवाल पूछूं. फरहान शाजी, आप लोग रेडी हैं? हमसे रेडी एज एवर. एपिसोड देखी है ना? होमवर्क किया है हमने. अच्छा ओके, अतीका ओडो का नाम क्या है सीरीज में प्यार के सदके में? कुछ शादी तुम्हें याद है? मुझे कुछ याद नहीं याद है. फरा तुम थोड़ा, ये तुम्हारा जवाब है. This is the first time कि मैंने इसका नाम सुना है. मुझे याद से नहीं आ रहा. Something either with M. सही कह रही हो. हाँ. बड़े उसरा बोलता है, बड़े प्यार से करके शायद बोलता है उसको. I don't know. मुझे लगता नहीं कि उसका real name है. I don't know. शादी तो real name नहीं है. My something तरह था, कुछ अजीब सा. नहीं, एक बार फरा तुम्हारा क्या मतलब है रियल नेम नहीं है, क्या है? प्यार से बुला रहा है उसको. हाँ, निकनेम है. हाँ शायद. फिर हम शाजिया से पूछते हैं कि शाजिया ये निकनेम हो सकता है या नहीं हो सकता. नाम सुना है मैंने अभी तक. मैंने किसी एपिसोड का, मैं तो इतने, तुम लोग ज्यादा स्कैनिंग में एपिसोड देखते हो, बट मेरे हिसाब से ये मैंने फर्स्ट टाइम उसका नाम उसके मुंह से, सर्वर के मुंह से. ये पहली बार इसका नाम लिया है. उसका नाम है मंसूरा. मंसूरा. आपके ख्याल में ये कोई हस्बैंड प्यार से निकनेम कर सकता है मंसूरा? मंसूरा. That was so funny. मंसूरा. I don't know. Not so funny. से necklace ली मंसूरा. प्यार से जब नेकलेस देगा कि मंसूरा, तो फिर प्यार हो जाएगा. अच्छा. Okay. आप लोगों का क्या ख्याल है कि ये जो सर्वर की इतनी नेगेटिविटी है, कल मैं ना एपिसोड देख रही थी तो मेरे दिमाग में बहुत से सवाल आ रहे थे. मैं सोची थी ये जो अतीका ओडो मंसूरा साहिबा जो है वो हर वक्त सर्वर को ना नीचा दिखाती रहती है. लाइक आई नो कि सर्वर नेगेटिव है, बट हर वक्त बोलती रहती है मेरा घर, मेरे बच्चे, और इस घर के असल मालिक जो है वो मेरे बच्चे हैं. लाइक वो हर बार सर्वर को अपनी पोजिशन याद दिलाती है कि तुम याद रखो कि तुम कौन हो. क्या ये वजह है कि सर्वर इतनी नेगेटिविटी है, सर्वर के अंदर इतनी बिटरनेस है या नहीं? सर्वर की अम्मा को देखा है आपने? सर्वर की अम्मा से जो नेगेटिविटी आ रही है वो तो, एंड आई थिंक नेगेटिविटी का एक वो ग्लिम्स हमें पिछले एपिसोड में मिला था जब उसने ये कहा था कि आपने तो मुझसे कहा है कि अगर पैसा होगा और पावर होगी तो आप हर चीज कर सकते हैं. और दूसरा नेगेटिविटी जब वो उसको देखता है अब्दुल्ला को, और वो उससे ऑफिस में कह रहा होता है कि तुम तो पैदा हुए, तुम्हारे पास ये सब कुछ था, हम जैसों के पास कुछ नहीं था. तो आई थिंक वहां से आ रही थी. और प्रोबेबली यस, तुम सही कह रही हो कि जब मंसूरा ये कहती है बार बार कि ये इन सब का है, बच्चों का है, तो वो और ज्यादा जख्मों पे नमक छिड़कते हैं. बिल्कुल, बिकॉज आई थिंक मेरे हिसाब से कि वो उसका दिखाया है थ्रू आउट, और उसके पिछले किस वाली एपिसोड से भी, कि उसका स्ट्रगल सर्वर का, कि वो स्ट्रगलिंग फैमिली से है, एंड ही वो अपनी कोशिशें कर रहा है पैसा कमाने के लिए. फाइन, वो गलत तरीके इस्तेमाल कर रहा है, मगर वो कोशिश कर रहा है कि मैं भी यू नो बिग शॉट बनूं एंड ऑल दैट. सो वो जब चीजें कर रहा है एंड वो और फिर उसको ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं, तो फिर उसका वो नेगेटिविटी आती है. दैट्स व्हाट आई थिंक. फिर उसको गुस्सा चढ़ता है कि अच्छा से यू नो, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने इस दफा में जब इसने बोला है मंसूरा ने कि यू नो ये मेरे बच्चों का है, तो हमें अपना इंतजाम अलग करना पड़ेगा. आप ये सोच लें, मैं बच्चों के लिए स्टैंड लूंगी और बच्चों के बीच में नहीं आऊंगी, उनकी जो भी चीज व्हाटएवर, हम दोनों को कहीं एग्जिट करना पड़ेगा. सो उसमें जब उसका एक्सप्रेशन और वो था ना, और मुझे अब लग रहा है कि बस अब वो, अब जो सर्वर का कोई अगले एपिसोड में, एज ऑलवेज मैंने तो नहीं देखा, शाजिया ने लाजमी देखा होगा प्रोमो. अच्छा, तो मुझे मिला नहीं एक्चुअली. सो आई हैव अ फीलिंग कि अब वो कोई अपना बड़ा वाला पता करेगा जो हम बीच कर रहे हैं. तो तुम लोग सही कह रहे हो. बेसिकली आई थिंक बीच नेगेटिविटी का उसके अंदर था, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कभी कभी इंसान को अगर मोहब्बत मिले और इज्जत मिले और अच्छा अच्छा माहौल मिले, तो
इंसान की नेगेटिविटी नीचे चली जाती है और उसकी अच्छाई आ जाती है, बिकॉज वो इंट्रिंसिकली तो बुरा इंसान नहीं है, उसकी इनसिक्योरिटीज हैं जो करी हैं. लेकिन आई डू थिंक ये जो मंसूरा का बिहेवियर है टीकाउडो का, उसने उस चीज को ज्यादा ज्यादा बढ़ा दिया. बट ये जो अच्छा, जब उसको पता चल जाता है मंसूरा को कि ये तो अब्दुल्ला को सरवर ने मना किया है, बट उसके बावजूद वो जाके सर्वर से पूछ लेती है एंड शी इज काइंड ऑफ ओके, बिकॉज वो ये भी कह रही है, जैसे फरा तुमने कहा कि वो कह रही है कि हम दोनों का क्या होगा, हमें अपना बंदोबस्त कहीं करना पड़ेगा. तो ये डायलॉग्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि उसका इरादा नहीं है छोड़ने का, राइट? तो ये क्या, मुझे लगा कि ये बेवकूफी नहीं करी, लाइक ये थोड़ा सा ग्लिच नहीं है स्क्रिप्ट और डायरेक्शन में? हाँ, मे बी, और बस आई डोंट नो, मे बी शी इज इन डिनायल, बिकॉज उसके साथ जिंदगी में ऐसे हादसात प्रीवियसली हुए हुए हैं कि अब वो शी जस्ट वांट्स टू लैच ऑन टू हिम, एंड जो भी हो खैर अपने बच्चों से अलग करके कि मैं आपके साथ ही, मतलब ऑफ कोर्स अब इतना बिग गिव अवे था कि जब वो आया है उसने उसका एक्सप्रेशन, आई है दरवाजे पे, जो भी उसने उसका एक्सप्रेशन देखा है और उसने उसको बोला है कि आपके लग नहीं रहा कि आपको बुरी खबर मिली है, आप यू नो, सो उसको 22 हो चुका है, फिर भी शी इज इन दैट डिनायल. आई थिंक वो डिनायल में है, लेकिन उसने वो सब नहीं देखा है जो हमने देखा है, तो उसको ये नहीं पता कि बात कितनी आगे तक चली गई है. उसको सिर्फ, एंड ऑब्वियसली वो एक रिलेशनशिप में है एक आदमी के साथ जो एकदम से खट से चेंज होके उसको एक नेकलेस भी ला के दे रहा है, उसकी बातचीत के अंदाज भी इतना, बल्कि अच्छी एक्टिंग थी सर्वर की, कि मैं भी सोच रही थी फॉर अ मिनट कि अच्छा, यू नो, ये तो बड़ा अच्छा हस्बैंड भी बन सकता है अगर चाहे तो. तो वो जो उसने स्विच किया ना, तो वो आई थिंक उसने थोड़ा सा बेवकूफ बना दिया है. मुझे सर्वर का कैरेक्टर बड़ा ही, मतलब वो जिस वक्त नेकलेस भी दे रहा था ना, मुझे बहुत ही, I don't want to use the word. क्योंकि हमें पता है, we know what is in his mind. Yeah. मेरे जज्बात वो नहीं थे जो तुम कह रही हो ना कि तुमने सोचा, मैंने नहीं सोचा. ये कितना कमीना इंसान है ये, मतलब बिल्कुल. अपने जज्बातों को आप लोग कंट्रोल करें, जज्बात लेकर आए जरा महजबीन के ऊपर, और मतलब कि जब द केमिस्ट्री द, बस यार बहुत होगी सर्वर. और सबसे बेस्ट था जब वो उसको सॉरी बोलता है ना, और पहले वो एक तरफ से आंसू साफ करती है, फिर वो दूसरा करती है, क्या वो फिर वो करती है, उसके बाद उसका हाथ पकड़ती है, वो समझता है हाय रोमांटिक टाइम आ गया, वो कुछ करने वाली है, वो उसका पकड़ के उसके कानों पे लगा देती है. दैट वाज द बेस्ट, एंड ही सेड सचमुच में, रियली फॉर रियल, एंड यू नो इतना मजे की वो आई थिंक टच था. आई थिंक द बेस्ट सीन फॉर मी was जब वो मॉम को लेकर आती है, इधर आए जरा. Oh my, I was not expecting that. वो इधर से उधर दोनों, जैसे मैंने कहा अच्छा पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं क्या होगा. देखे सॉरी भी नहीं कहा और मुंह खुला के बैठा हुआ है, और आप इसको बोले ना नहीं अच्छा मैं आपकी चाय तो ले आऊंगी, उनके चाय के साथ खाना भी ले आऊंगी, मगर आप इसको तो समझा दे. मतलब कि that was a classic scene for me. अच्छा, the best for me was जब वो भागती है जाके फोन लेकर आती है कि अच्छा नहीं, लेकिन आपने जो किया था वो तो बहुत बुरा था, बेइज्जती तो इससे ज्यादा हुई थी, फिर सोच रही है नहीं बहुत बेइज्जती हुई थी, और फिर वो कहती है अच्छा लेकिन एक तरीका है माफी मिलने का, और वो भाग के जो फोन ला के उसको दिखाती है कि नहीं, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर रही है जोड़ों को, मनाने का तरीका क्या है, you know, अच्छा कुछ दिला दो, कुछ वो कर दो, तो वो अच्छा उन्होंने बीच में वो वाला टच किया. जो इतना अच्छा माजिबीन का कैरेक्टर डेवलप किया है कि आहिस्ता आहिस्ता, शुरू में हम कहीं कहीं जगह पे उससे इरिटेट हो रहे थे, राइट? हम यूज्ड टू से ये क्या है, लेकिन ओवर द टाइम ऐसे बिल्डअप किया है कि एक्चुअली मैं तो कहूंगी कि मैं आई एम इन लव विद हर कैरेक्टर. आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, लेकिन अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अच्छा माजिबीन ये बोलेगी, अब जब वो कुछ करती है तो हम कहते हैं नहीं हाँ माजिबीन ही ये कर सकती है और कोई नहीं कर सकता. और अब्दुल्ला भी, so you think Abdullah is falling in love with her? तुम लोग का क्या ख्याल है, अब्दुल्ला को मोहब्बत हो रही है माजबीन से? वो जो लैंप हिलाने का सीन था, बेड पे बैठा हुआ है और वो लैंप हिलाए, मलका है बेचारा, जब लैंप पे सावन से कल्ला जल्दी तैयार होके जाओ, तुमने मैं आपकी महबूबा की उसकी शादी के लिए तैयार हो रही हूँ, but yeah, हाँ शादी है, sorry.
नहीं मैं कह रही थी कि वो तो आगे जाके पता चलेगा, सही चैलेंज तो है जब शांजी की शादी होगी या नहीं होगी, उसके बाद पता चलेगा कि कहाँ है। हाँ टेल मी वन दिस क्वेश्चन इज राबिया द ड्रामा क्वीन, कि मुझे ये बताओ भाई शांजे और वो जो उसका लूजर से अंकल है वो, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भगवान ये आगे जाके क्या होगा, तो तुम्हारी क्या प्रेडिक्शन है? आई वांट टू नो बिकॉज़ शादी नहीं होगी, इट्स अब राबिया बता दो मुझे उसने रिजेक्ट किया है, मैंने उसको रिजेक्ट किया, फिर उसने भी मुझे रिजेक्ट किया, उसने किसी और से शादी, लाइक उसकी क्या बता रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं उसके इस तरह के सीन्स इतने इंटेंस क्यों? ये तुमने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली, बिकॉज़ मैंने कल जब मैं ड्रामास देख रही थी तो मेरे दिमाग में यही सोच आई थी जो तुम जिस पे बात कर रही हो। पहली बात तो ये कि उसको ये नहीं है कि मैंने उसको रिजेक्ट किया या उसने मुझे रिजेक्ट किया, अब्दुल्ला उसके लिए इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, अब्दुल्ला वॉज अ नूसेंस फॉर हर, ठीक है, अब्दुल्ला की अभी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये जो कुछ सीन दिखाए हैं उससे अब्दुल्ला की शायद इंपॉर्टेंस अब उसके दिमाग में आए कि कैसे अब्दुल्ला अपनी बीवी की बात सुनता है लेकिन इसका शौहर इसकी बात नहीं सुनता। लेकिन मुझे जो तुमने बात बोली वो ये इंटरेस्टिंग लगी, उन्होंने आई थिंक ये दिखा रहे हैं मेरे हिसाब से जो मुझे लगा कि जैसे वो अब्दुल्ला के साथ करती थी ना बिहेवियर, इसके मियाँ का बिहेवियर इसी तरह इसके साथ है। जितना वो अब्दुल्ला को डाउन करती थी कि तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है, मैं हूँ, हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट मैरिंग मी, यू नो ये एटीट्यूड था ना इसका। अब जो है उसका मियाँ एग्जैक्टली उसके साथ यही कर रहा है कि तुम्हें तो मैं ग्रूम कर दूंगा, मतलब वो इतनी हाई फाई होती वो उसको कह रहे मैं तुम्हें ग्रूम कर दूंगा। तो मुझे ये काइंड ऑफ आयरनी लगी कि जो वो अब्दुल्ला के साथ करती थी उसके साथ ही ये हो रहा है, और ये इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आई थिंक उसको रियलाइजेशन होगी और आगे जाके इसका कैरेक्टर इम्पोर्टेंट है, शी विल प्ले अ रोल जब ये मेरे ख्याल में या तो शादी नहीं होगी या शादी टूटेगी या कुछ होगा, ये वापस आएगी अब्दुल्ला के पास, फिर वो ट्राइंगल चलेगा जब अब्दुल्ला को सोचना पड़ेगा कि माजबीन या ये डेफिनेटली ये होगा, इसका कैरेक्टर आगे जाके आएगा। हाँ मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो अभी तक अपनी रिलेशनशिप बरकरार रख क्यों रही है इस तरह। कुछ उसमें आई थिंक इन द नेक्स्ट टू से दो से तीन एपिसोड्स में ये अब्दुल्ला और माजबीन का रोमांस दिखाएंगे, उसके बाद ये एक कोई ना कोई होगा। सो मुझे दो तीन स्टोरीज ना साथ चलेंगी, एक तो ये वाली और ऊपर से सर्वर, सर्वर को नहीं भूल सकते, एक तो ये इसका होगा एक्शन, इसका मुझे नाम नहीं आ रहा, क्या नाम है महबूबा का इसमें, नाराज होके, अब वो क्या वजह होगी आई डू हैव एन आईडिया बट मैं स्पॉइल नहीं करना चाह रही, तो वी विल एंजॉय द शो आता जाएगा। बट आई थिंक दो तीन मैं वो तुम लोगों को वो चीज नोट की कि कैसे इन्होंने वही फिजिकल इंटीमेशन की बात कितने अच्छे तरीके से दोबारा हैंडल की है, जो माँ बात करती है बेटे से, अच्छा वो मसला था जब उसको कहती है कि कोई इशू विशू है तुम्हें, कोई इशू है तुम्हें, कोई मसला है तो बताओ, मतलब दैट वाज रियली गुड आस्किंग दैट अगर तुम्हें कोई मसला है तो तुम्हारी आवाज कट रही है, वी कांट हियर, हां तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, ओके वेट, सो आई थिंक वो पूरा उससे पूछना चाह रही है, लाइक वो उससे करी कुछ प्रॉब्लम है बेटा, अच्छा कुछ इशू है तो मुझे बता दो, और फिर वो तुम लोग अजनबियों की तरह रह रहे हो, शी वांट्स टू टॉक टू हिम आल्सो, एक तरीके से कुरेद भी रही है और कर भी रही है, बट वो इन बिटवीन थोड़ी सी मुझे लगा जा रहा है एज अ मदर वो एकदम से करके नहीं करेगी, तो समबडी एल्स विल हैव टू स्टेप अप एंड से। But I think I don't understand कि क्यों इतनी दूर दूर से ढंग से सीधी सीधी बात क्यों नहीं करती, भाई डॉक्टर के पास से होके आ चुकी है सब कुछ, I don't understand what is she is the mother, अगर अम्मा ने पूछेगी तो कौन, या अगर चलो इतना ही लग रहा है तो अपनी बेटी को फोन करे, बेटी से कहे कि आके अपने भाई से बात करो, लेकिन मे भी मुझे लग रहा है कि बेटी तो चढ़ जाती है ना भाई के ऊपर, बिल्कुल उनका रिलेशनशिप ऐसा है, इसी को बात करनी चाहिए, तो मुझे तो ये बहुत ऑफ लगी ये पेरेंटिंग टेक्निक कि आप इतने भी अलूफ होने की क्या जरूरत है, वो भी एक ऐसे बच्चे के साथ हु स्ट्रगलिंग,
दो तीन जगहों पे मुझे जो है ना इसकी अतीका ऑटो के कैरेक्टर में ना मुझे इरिटेशन भी, जैसे तुम बोल रही हो कि ये माँ इसने ओके सो आई फील कि जहां जहां हमें लग रहा है कि एज अ मदर इसको ज्यादा स्टेप्स देने चाहिए, और मतलब वो बाजार चली गई बजाय इसके कि पहले अब्दुल्ला को बिठा के बात करो. दो दिन गुजर गए, वो अभी तक उन्होंने बात ही नहीं की. फाइनली माजिबीन उसको लेकर आई कि बात करो. सो आई फील व्हाट्स हैपनिंग इज कि वो खुद इस वक्त ना, जैसे फरा ने बोला कि वो एक बंदा है जिसको वो अपने हाथ में रखना चाह रही है सर्वर को, यू नो वो उसको लेट गो नहीं करना चाह रही. तो वो इस कॉन्फ्लिक्ट में बच्चे की भी प्रॉब्लम है और उसकी अपनी जिंदगी के इश्यूज भी चल रहे हैं, इस वजह से वो पूरा नहीं कर पा रही, विच इज काइंड ऑफ रियलिस्टिक ऑल्सो. आई थिंक जो माएँ होती हैं, एक तरफ आप माँ हैं, एक तरफ आप बीवी हैं, तो माँ और बीवी दोनों पोजिशन में आप कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहे हैं, तो मुश्किल हो सकती है ये. बट डेफिनेटली थोड़ा सा इरिटेशन हुई है कि इसको बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था. उसने एक उसके रोल में इतना पावर है कि उसने एक दफा सिर्फ माजबीन से कहा कि तुम्हारा घर है तुम यही रहोगी, और उस वजह से माजबीन के एटीट्यूड में फर्क आ गया. वो जितनी कॉन्फिडेंटली उसने वो दरवाजा भी लॉक कर दिया, उसको भी पकड़ के ले आई कि आप अब्बास से अब्दुल्ला से भी कह दिया कि ये उन्होंने कहा है कि मेरा घर है मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से. तो इतना इम्पोर्टेंट रोल होता है एक मदर का, स्पेशली जब आपका दूसरा जो स्पाउस है वो इतना नेगेटिव है, या तो आप उसको फुलफिल करें या आप उसको छोड़ दें. तो दिस इज माई टेक. तुमने उस कॉन्वर्सेशन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल था जब वो सर्वर को बताती है और सर्वर हाँ. जो बोलता है कि नहीं मैं चाहता था ये पहले सेटल डाउन हो जाए, तुम्हें लगा कि उसने जो एक्सप्लेनेशन दी है और जो अतीका ऑटो एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट कर लेती है वो सही था, लॉजिकल था? मतलब तुम अपने आप को इस पोजीशन में रखो तो तुम क्या बोलो? नहीं, पहले मैं एक दफा सिर्फ शादी वाले पॉइंट पे दोबारा टच बेस करूंगी, टेलिंग अबाउट कि जब माजबीन जब वो करती है ना कि मैं तो घर से नहीं निकली बिकॉज माँ ने मुझे, अब तो मॉम ने भी बोला है कि यू नो. सो सर्वर की बात को उसने कर दिया, उसने कहा मॉम ने बोला है तो शी ऑल्सो नोज हूज द हेड, यू नो. सो एक और दूसरी बात ये कि इस सीन में उन्होंने मेरे हिसाब से उसने कुछ स्ट्रांगनेस दिखाई है उसकी, कि ये रिएक्शन दे सकती है, ये वो खाली वो धीमी और दबी हुई बच्ची नहीं है, मतलब कि जब टाइम आएगा तो शी कैन रिस्पॉन्ड एंड शी कैन स्टैंड अप फॉर हर सेल्फ. लाइक दे शोड हर एज अ स्ट्रांग वुमन उस वक्त. मैं और यूं करके दरवाजा बंद करके और दुपट्टा भी उसने दुपट्टा पता नहीं क्यों उस पर जाली पे डालती है, यूं करके और यूं करके खड़ी हो जाती है. सो यू नो उसमें उसको बहुत उसकी स्ट्रॉन्गनेस दिखाई है. एंड यस, गोइंग बैक टू ये वाला कि वो मैंने उसको बोला कि जी वो तो बहुत ही क्रैप था राबिया, एंड मैंने क्रैप था आगे से मतलब कि फॉर अतीका ऑटो टू लाइक एक्चुअली बिलीव इट कि अच्छा हाँ सही, यू नो ये तो कोई तरीका नहीं है ना. बिल्कुल. उसने तो बोला था ना कि अब हम अपने बच्चों की जिंदगी में दखल देंगे, हम क्यों दखल दें, अब हम उनकी ये फैसले भी करेंगे. सो यू नो शी मेंट के बी द वे उनको जैसे भी रहना है एज अ कपल, लेट देम बी, मतलब कि उसके हम क्यों दखल दें. वो बात ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्शन और स्क्रिप्ट का वो चक्कर लगा, बिकॉज आई फील कि देखो वो बात सही है लेकिन ये तो एक बेसिक इंसान की एक नीड होती है और एक बेसिक रिलेशनशिप की बेसिक बुनियाद मियां बीवी की उसकी है. उस पे आप कैसे कह सकते हैं कि तुम दो अगले साल तक तुम अपना करियर बनाओ, बीवी के पास नहीं जाना. कितनी स्टूपिड बात उसने की और उसने कितनी आसानी से उस बात को एक्सेप्ट कर लिया. व्हाट अबाउट बर्थ कंट्रोल, व्हाट अबाउट देयर सो मेनी प्रिकॉशंस कर सकते हैं. तो मुझे लगा इसको थोड़ा सा बेहतर हैंडल किया जा सकता था. लेकिन आई डू थिंक कि तुमने जो बात फरा बोली थी दैट व्हिच मेक्स सेंस टू मी कि वो इतनी डेस्परेट है कि वो सर्वर को लैच ऑन करने में कि वो बाकी चीजों को एक्सेप्ट कर रहे हैं. हाँ, और हम बाहर से देख रहे हैं हमें लगता है कि हम ये सही नहीं है. बट यस, सो एंड आई थिंक वो थोड़ा नेचुरल वही डिलेमा है औरत का कि वो मियाँ या बच्चे क्या करे, किसको बिलीव करे, किसका साथ दे, क्या करे. I think वो as so she's a non-confrontationalist, वो जो है ना चीजों को head on, इसीलिए तो अब्दुल्ला इस point पे पहुंचता है अभी. तो इसलिए उसको भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है कि वो जाके उसको सर्वर से भी उसने इतना ही पूछ लिया. बहुत अभी वो उसके पास भी गई थी ना, भाभी के पास पूरा बोल के नहीं आई, कुछ ठीक है भी कुछ नहीं भी है ये कह के आ गई. तो उसको टाइम लगेगा क्योंकि उसने जिंदगी की जिम्मेदारी सर्वर को सौंप दी थी वैसे ही अपने बच्चों की भी, और इसीलिए उसके बच्चे भी, इसीलिए वशमा शायद इस तरह की है कि इंडिपेंडेंट माइंडेड है क्योंकि अम्मा ने तो नहीं लिया वो रोल. तो इसलिए अब ये एक ट्रांसमिशन होगा अतीका और ये यशमा वाली बात हम
पहले भी कर रहे थे, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम मैंने इस एपिसोड पे नोट किया के यशमैन के साथ नहीं रहती. आई थॉट कि वो आती जाती है, वो अपने फूफो के साथ रह चली जाती है, यहाँ ज्यादातर नहीं होती. बट आई फर्स्ट टाइम जब इसने बोला और मुझे ख्याल आया कि हाँ अच्छा ये तो इधर रहती नहीं है, यू नो कि मेरी तो बेटी मेरे साथ है ही नहीं. और वही वाली बात के बहुत सारे ये भी उन्होंने एक पॉइंट टच किया है शाजिया, आई थिंक व्हिच यू कैन एलैबोरेट ऑन इट, कि वो बहुत लोग नहीं एक्सेप्ट करते बहुत बच्चे एंड सेकंड मैरिज को एंड देन दे. बट आई लाइक द थिंग कि यशमा स्टिल अपनी माँ के साथ कितनी तमीज और आती है जाती है मिलती है, पर उसको तो ऐसे स्नप करती है सर्वर को तो माँ के आगे. वी वेट फॉर इट ना, हम इंतजार करते हैं कि अब ये क्या तरह से एक जवाब देगी, तो क्योंकि और तो कोई सुनाता नहीं है उसको, एक ही तो है जो सुनाती है. हाँ. तो इसलिए और आल्सो मुझे सॉरी बोलो राबी, तुम इसे ही पूछ रही थी, तुम बताओ. हाँ नहीं, मैं ये कह रही थी कि मुझे बड़ा ये मजे की बात लगी कि जितने कैरेक्टर्स हैं उनकी एक्सप्रेशन से वो हमसे बातें कर रहे हैं, चाहे वो सर्वर है जो गुस्से में, या एक अम्यूज लुक जो कभी कभी देता है जब वो अम्यूज हो रहा होता है महाजबीन से, या वो अतीका हुडो है जो सोच रही है, या बिलाल या महाजबीन, और वो ओएसटी को भी प्ले करते हैं उस तरह कम ज्यादा उनके जो सीन्स होते हैं, और उन एक्सप्रेशन से इतने इस ड्रामे में इतने लंबे लंबे डायलॉग्स नहीं है. इट इज मोर अबाउट द स्टोरी मूव्स फॉरवर्ड विद द एक्सप्रेशन. सिर्फ जब वशमा आती है ना तो डायलॉग टक 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 होते हैं, तो ये भी एक बड़े मजे का चेंज मुझे लगा कल मैंने नोटिस किया था. अब हम सीन की बात कर लें टू रैप इट अप. रोमांटिक सीन जब वो आके बैठता है, तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि होगा ऐसा, दिखाएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा? येलो सोफे पर तो बस यही सीन्स होते हैं रोमांटिक. वो वहां दिखा देते हैं, कैमरा सेट होता है. लेकिन ये वाला तो काफी ज्यादा था, जो वो उसके करीब आके आहिस्ता आहिस्ता करीब आके बैठता है. हाँ. देखता है जो एक्सप्रेशन थे वो, एज यू सेड, दे सेड अ लॉट. देयर वर नो डायलॉग कि वो उसको बोले कि हो मैं तुम्हारे पीछे पागल हो रहा हूँ, या मेरा दिल धड़क रहा है, या तुम्हें देख के मेरी आंखों में पता नहीं क्या. इट वॉज ऑल बिलाल के एक्सप्रेशन जो विच कम्युनिकेटेड वॉट ही इज गोइंग थ्रू, या फिर यमुना के एक्सप्रेशन के वो क्या इस वक्त शी इज गोइंग थ्रू, यू नो. केमिस्ट्री वाज देयर डेफिनेटली एंड काफी हॉट रोमांस दिखाया था. मैं तो वेट करी थी अब या तो उसे गले लग जाएगी, इसका हाथ पाथ पकड़ लेगी, लेकिन उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन रखा और बोर्ड के सोफे के पीछे चली जाती है. बट लिटरली बिल्टअप ऐसे ही किया था उन्होंने, मेरे दिमाग में अजीब सी बात आ रही थी, यही वाली चीज हुआ कि वो जैसे वर्दी का ऑर्डर, वो कहते ना कि नहीं नहीं बच्चे खुद ही आ जाएंगे, वो दोनों आ जाएंगे, हम चलते हैं, हमें देर हो रही है. और फिर वो बच्चे तो अपने रोमांस में लग गया, हो सकता है कि बच्चे शादी पे जाए ना, और सुबह नहीं यार हम तो पेड़ जो हशर होगा ना इन बच्चों. मैं भी यही सोच रही थी, पर हम ऐसे जाए क्यों नहीं, देर से चले जाए. उसका मतलब ये थोड़ी है रोमांस का कि वो जाए नहीं, दे कैन गो अ लिटिल लेट, यू नो, थोड़ी देर में चले जाए. सो एनी अदर पॉइंट्स यू गाइस वांट टू डिस्कस? ये भी था, और क्या था, मॉम का भी हो गया, सर्वर की मॉम का भी हो गया, बात करना चाह रही थी. बस मुझे ये थोड़ा सा ये भी मजे का लगा था कि इनकी जो इंटरेक्शन है ना इन दोनों का, अब्दुल्ला का और महाजबीन का, बहुत सारे यंग कपल्स को कुछ कनेक्शन लगता होगा, जिस तरह ये लोग अपनी छोटी छोटी बातों में लड़ते हैं और फिर वापस दे मेकअप, या और यंग भी नहीं जो ओल्ड भी हो थोड़े, उनको अपना पुराना जमाना याद आता होगा. बड़ा स्वीट सी ये लड़ाइयां होती हैं जो छोटी छोटी, अब इतनी छोटी लगती हैं, और फिर उनमें मेकअप भी होता है, और फिर खुश भी हो जाते हैं फौरन दो सेकेंड में कि अच्छा ये दिला दो वो दिला दो. तो आई लाइक दैट लिटिल टच दैट कम्स इन. तुम वो अब्यूजर और बच्चों की और कंट्रोल इशू जो तुम बात कर रही थी, हाँ मैं ये कह रही थी कि ये जो कंट्रोल सर्वर का है ना ऑन अब्दुल्ला, ये एक्चुअली बहुत स्कैरी है. क्योंकि जैसे जब वो बैठी हुई थी अतीका उडो और उसने कहा कि मुझे बताओ कोई इशू है, एंड मैं तो एक्चुअली माय हार्ट बीट स्टॉप जब मैं वो देख रही थी, क्योंकि उसने इफ यू नोटिस केयरफुली उसने पहले डर 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 कुछ कहा, फिर वो रुक गया. वो डैड कहने से उसने
फिर कहा, फिर वो रुक गया, फिर उसने कहा. एंड दो चीजें मैंने इसमें नोटिस करी, एक के माओ को या किसी भी स्पाउस को बच्चों को टाइम देना कितना जरूरी है, क्योंकि अगर वो आके नहीं पूछती जो उसको माजबी ने धकेला था, वो उठ के चली जाती तो वो बच्चा नहीं कहता उससे. और जब उसने कहा तो उसने बहुत डर के कहा, उसने कहा कि डैड ने मुझे मना किया, उनको बताइएगा मत. तो वो एक जो डर है, क्योंकि जब कोई इंसान अब्यूज करता है ना आपको विद इन द फैमिली, वो आपसे यही कहता है कि किसी को बताना मत. और आपका एक बॉन्ड होता है, दैट अब्यूजर मेक्स यू बिलीव यू हैव अ बॉन्ड विद देम, और मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ये सब कुछ, लेकिन तुम्हें किसी को बताना नहीं है. और वो बच्चा बड़ा हो जाता है और वो नहीं बताता. एंड इट्स नॉट कि वो 5 साल का है या वो 25 साल का है, वो जो पावर होता है ना अब्यूजर का, वो उसके साथ रहता है, चाहे वो वर्बल अब्यूज हो या वो फिजिकल अब्यूज. आप इतने लोगों से बात करें, साइकोलॉजिस्ट से बात करें, एंड दिस ड्रामा इज डूइंग इट वेरी स्लोली, एंड वी शुड अंडरस्टैंड द कनेक्शंस. हमें समझना चाहिए ये क्या कनेक्शन हमें दिखा रहे हैं. मैं या तुम शायद नहीं देख रही हो, लेकिन जो लोग इसके थ्रू गए हो वो बहुत कनेक्ट करेंगे इस चीज के साथ. मेरा ख्याल है तुमने बहुत ही जबरदस्त तुमने पॉइंट निकाला है. आई डिडंट थिंक ऑफ इट ऑनेस्टली, बट अब तुम बोल रही हो तो आई एग्री. एंड आई थिंक वो सब लोग जो शायद इस चीज से गुजर रहे हो, या माँ बाप जिनको लगे कि मेरे बच्चों में कुछ कुछ एबनॉर्मल चीज लग रही है, कोई चीज आउट ऑफ ऑर्डिनरी है, ये एक यूजुअल जो उनकी रूटीन है या उनका बिहेवियर है उसका पार्ट नहीं है, या बाकी बच्चे ऐसे नहीं कर रहे, मेरा बच्चा ऐसे कर रहा है, तो मे बी अब माँ बाप के लिए ये हिंट हो, जाके नोटिस करें और जाके पूछें. और तुम सही कह रही हो, मैंने सोचा कि वाकई माओ को टाइम देना चाहिए, बाप या माँ को बच्चों के. और पूरा दिन देने की जरूरत नहीं थी जी, इसके लिटरली लाइक 2-3 मिनट हुए ना, लेकिन वो जो 5 मिनट या 10 मिनट आप गुजारें, वो बड़े 1-to-1 होने चाहिए, चुपचाप बैठ के, और उसको सिर्फ एक टाइम दें रिलैक्स होने का उस इंसान को, ताकि वो फिर उसके जो भी दिल में बात हो वो निकले. दिस इज व्हाट आई फेल्ट हैपेंड हियर. पर तुम कुछ कह रही हो? नहीं नहीं, यही कि हाँ, दे शुड उसको स्पेस देनी चाहिए कि वो इसमें फिर बात. एक्चुअली जब सर्वर उसके पास भी जा रहा था, माजबीन के पास, तभी मेरा दिल धक धक कर रहा था. आई वाज लाइक नहीं जाए, नहीं जाए, नहीं जाए. और जब अब्दुल्ला माँ को बताते बताते रुकता, आई वाज लाइक प्लीज बता दो, प्लीज बता दो, ऐसा बता दो, बोथ पॉइंट्स पे आई वाज लाइक, मुझे ये था ऐसा ना पूछे कि आ जाए और ये रुक जाए. मुझे यही था एक्चुअली, जब वो बैठी बात कर रही थी ना अब्दुल्ला से, मुझे ये था ये सर्वर आ जाएगा. एक तो एक एक चीज है, सॉरी, ये लोग इन लोगों के घर में कोई नॉक करने का कॉन्सेप्ट नहीं है, हर कोई आ जाता है अंदर कमरे में, गुस्सा चला आता है, मतलब ये मुझे समझ नहीं आई. और लास्ट पॉइंट ये, आई आल्सो लाइक ड्रामों में आता है. हाँ यार फराग, मतलब उन यूजुअली ड्रामों में होता है यार. हाँ ड्राम नहीं यार, ऐसे घरों में तो नहीं होता, अच्छा खासा एजुकेटेड घर दिखाया है करके. सर्वर साहब तो मतलब धार, उनको तो लगता है उनका हक है इस कमरे पे, अब्दुल्ला का नहीं, उन्हीं का कमरा है. और वो बार बार बेचारी कह रही होती है, मैं किन लोगों में फंस गई हूँ, किन बोंगे लोगों में फंस गई हूँ. ऊपर नीचे मतलब जो सीधी बोंगे का मतलब और मुश्किल, ऊट पटांग उसको बता रही हूँ उर्दू में, इंग्लिश में बताओ ना, हमारी इंग्लिश में है वो अपसाइड डाउन. नहीं भाई, सिली बोंगा है, सिली लिटरली. हाँ ये क्या बेवकूफियां हैं. हाँ चले जी, हम रैप अप करते हैं. आई होप आपने एंजॉय किया. सॉरी फरा, तुम कुछ बोल रही थी, तुम बोलो. नहीं नहीं, रैप अप के लिए कह रही हूँ. You want to wrap up? आज wrap up की speech तुम लो. Okay जी, thank you very much. I hope कि आप लोगों को पसंद आया हो हमारा review. और हम 17th episode का बहुत 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 इंतजार कर रहे हैं. और comments में बताइएगा कि अगर आप agree करते हैं राबिया, शाजिया, फरा की कुछ कुछ बातों से. And comments को थोड़े जरा धीमे रखिएगा. Thank you. Oh. और और अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया और बेल आइकॉन को नहीं किया, तो प्लीज वो बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा. एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ अपडेट. थैंक यू.